द्रौपदी द्रौपदी दूर से बात कीजिए पियाजी। क्या हो गया? क्यों आए हो यहाँ पर? मैं तेरे पास में बहुत जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम? हाँ। क्या काम पड़ गया? काम इतना जरूरी है कि ये भी हो सकता है कि मैं बताऊं और तू खुशी के मारे फूली नहीं समाएगी। खुशी? हाँ। न्यू कहवे दादा की ऐसी बात बताऊंगा कि खुशी के मारे फूली ना समाएगी। हाँ। बेटा जब से थारी के लिए ब्याह करके आई हूँ ना, सुख करने वाला तो मैंने खाया नहीं है, और फिर भी अगर खुशी की कोई बात है तो मैं सुनना चाहती हूँ। कहिए। एक बात मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। कहिए जरा। द्रौपदी यदि इंसान को भूख लगे तो क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए इंसान को। और यदि इंसान को प्यास लगे तो क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। और यदि इंसान को नींद आए तो क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। बस बस। लेकिन एक बात और बता दे। क्या बता दूं? जब बच्चे बड़े हो जाए, सियाने हो जाए, समझदार हो जाए, हाँ, तो उनका क्या करना चाहिए? अगर बच्चे बड़े हो जाएं, हाँ, जवान हो जाएं, हाँ, तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। ये बात। पर कौन जवान हो गया, किसका ब्याह करना है पिया जी? तुझे नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता? नहीं मुझे नहीं पता। आँख खोल के देख। खोली। अब हमारा बेटा अभिमन्यु जवान हो चुका है। हमारा बेटा अभिमन्यु शादी के लायक हो चुका है, और वो इतना हो गया कि वो नू कह रहा है कि तुम बैठ जाओ और उनको खड़ा करो। अब हमारा बेटा अभिमन्यु जवान हो चुका है, शादी के लायक हो चुका है, तो द्रौपदी हाँ। तू ना हम अपने बेटे अभिमन्यु की शादी कर ले। चुप हो जा, चुप। क्यों, क्या हो गया? इधर आ, इधर आ, इधर आ, मैं करवाऊंगी ब्याह थारा। इधर आ। मेरा ना उसका करवा। वो तो बिगड़ लिया, उसका ना होगा ब्याह। किसका ब्याह करना है? तेरे बेटे अभिमन्यु का। बेटे की शादी करनी है? हाँ। भाई दादा न्यू कह रहे हैं कि बेटे की शादी करनी है। हाँ। भाई शादी ब्याह भी जब ही अच्छे लगते हैं, जब इंसान अपने ठिकाने पे हो, रहने के लिए घर हो, हाँ, खाने के लिए दो टाइम का खाना हो, सही बात है ना दादा? अरे इनसे न्यू पूछो कि इनके पास क्या है, कुछ ना इनके पास। क्या नहीं है हमारे पास? क्या है तुम्हारे पास? सब कुछ हमारा है। आज द्रौपदी, आज समय भी हमारा है, तू भी हमारी है, वो बेटा भी हमारा है। हाँ, सब कुछ हमारा है। नहीं, कुछ भी नहीं है तुम्हारा पियाजी। शादी के लिए हाँ तो कर दूंगी। हाँ। लेकिन मैं आपसे दो बातें करना चाहती हूँ जरा। दो बात? मेरे सवालों के जवाब दीजिए जब शादी के लिए हाँ करूंगी। यानी कि तेरे कुछ सवाल है? हाँ। सवालों के जवाब चाहती है? कुछ बातें करना चाहती हूँ मैं आपसे। मेरा निवेदन है भाई, बुजुर्गो, नौजवान साथी और नाई बामन खाती हो, कि जो मेरे भाई हैं, जो असली मर्द बैठे, वो एक बार हाथ उठा करके बता दो जो मेरा साथ देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो मेरी गैल है वो एक बार हाथ खड़े करियो जरा। तेरी भले आदमी दादा। अरे तू कोई औरत है? ये औरता की बात करे है। अच्छा। हाँ। तेरे लिए तुम अकेली काफी हूँ बेटा। कहिए जरा अपनी बात। कहे अपनी। और मेरी सुनिए पिया जी। कहिए। जरा ए जियो ओ और हिजड़े तन आती ना। अरे दादा, मैंने हिजड़ा बतावा है जिस अर्जुन के साथ मैं ब्याह करके आई द्रौपदी। अच्छा, आज उसे हिजड़ा बता रही है। भाई मैं बताऊं हूं दादा, मेरी गलती कौन है? ये रही इस भेष में रहे हैं तो मैं क्या करूं पिया जी? लोगो, जिस इंसान का समय खराब होया करता है, हाँ, उसे कोई कुछ भी कह दिया करता है दादा, बुरा मानने की बात नहीं। ओहो, कह दे एक बार। सुनिए जरा। ए जियो ओ
उस हस्तनापुर किया दे दे कही जड़े तने आती ना उस हस्तनापुर की याद। हाँ कह दियो कही पिया जी। अरे जहर भरी तेरी जीभ ने नागन कर दिए बर्बाद। तीना के हस्तापुर किया जहर भरी तेरी जीव नागन कर दिए बर्बाद। जहर भरी तेरी जीव नागन कर दिए बर्बाद। तो उन समय को याद कर लो पिया जी। कौन से समय? उस वक्त को याद कर लो। कौन से उस वक्त? मेरे के अपमान को याद कर लो जो दुर्योधन ने मेरा किया था, भरी सभा के अंदर किया था पिया जी। दुर्योधन ने जो करा वो द्रौपदी गलत नहीं करा। अच्छा, और जो कुछ करा था उसमें तेरी कमी थी। मेरी कमी? हाँ। मेरी कोई गलती नहीं है पिया जी। तेरी कोई गलती नहीं? सुनिए मेरी बात। बता। याद नहीं के? याद नहीं आती जब मुझे नंगी जांग दिखाई गई। हेरे याद नहीं के? याद नहीं आती जब मैं वैश्या कह बुलाई गई। याद नहीं आती जब मैं वैश्या कह बुलाई गई। अरे भी मना तेरी कड़वी बाणी। अच्छा? वो भी मने याद द्रौपदी करण का तारिया था पानी। वो भी मने याद द्रौपदी जब करवा दी तने कुणे बाघानी। वो भी मने याद द्रौपदी करवा दी तने कुणे बाघानी। जियो रे जखम हरे के हरे ही जुड़े पड़गी इन मेरा। कंगन मजा न दे ओ चूड़ी मजा न दे चूड़ी चूड़ी ऐसे बजा जैसे फिल्म में बजे करे। चूड़ी बजा न देगी कंगन मजा न देगा। ओ चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा। तेरे बगैर द्रौपदी यही काम कुए तू नाचने गाने को ये बस। दादा देख ले अर्जुन के ठुमके अच्छे लगे तुम्हें तो ताली क्यों ना बजाते तुम ऐसे सुम को ऐसे बैठे हो। ये इसके अंदर एक नई खूबी है कि ठुमके बहुत अच्छे लगाता है। ओ काले मुंह की। और रुक जा चुप तू चुप 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 तू चुप चुप। तुम्हारे बस की अब अस्त्र
शस्त्र भाले उठाने तो बस की नहीं है, और अब बस नाचने गाने का काम ही करोगे बस। देख ले तेरी माँ कितनी बढ़ चढ़ के बोल रही है। इधर आइए। शादी करना चाहते हो बेटे की? अरे मैं तेरे से विनती करना चाहता हूँ द्रौपदी। हाँ। हंसी खुशी का समय है, अगर माँ बेटे की शादी और माँ बाप दो दो ठुमके नग लगाए तो दादा कैसा ब्याह सगाई? भाई दादा आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। हाँ। दासियों के पैर दबा रही हूँ। अरे दादा एक समय वो भी था जब कई कई दासियां मेरे पैर दबाया कर थी। ओ दादा, अरे एक समय वो भी था जब ऐसी दासी हमारे पोंछा लगाया करती थी, कदे मारे भी सर पे ताज होया करता, कदे हम भी राजा होया करते। आज अगर ये दिन आया है तो द्रौपदी तेरी वजह से हुआ, सब कुछ तेरी वजह से हुआ। महाराज बस बस महाराज महाराज ये जोश ये जुनून हाँ रणभूमि में दिखाइयो महाराज, लेकिन मेरी बात सुन ले जरा। बता सुनिए। घसीटी गई दुशासन के हाथ बाल पकड़ पकड़ के पीटी गई। तम नीची नाड़ नीची नाड़ नीची नाड़ करके बैठे पर छतरापन पे मीटी गई। नीची नाड़ करके बैठे छतरापन पे मीटी गई। और राजा रागनी अच्छी आ रही है, समझ में लग रही है तो एक बार ताली मार के बता दो जोर। क्या कहना चाहते हो? राजा भिक्ष मंगे कर दिए, राजा से भिक्ष मंगे कर दिए, तेरी जीभ की कारस तानी पाप बरोबर। क्या बात अच्छी लगे तो केवल समर्थन कर देना बस। और बाप बरोबर जेठ ते कहेगी, बाप बरोबर जेठ ते कहेगी, अंधे का अंधा अभिमानी मरवा के क्या मरवा के हाँ मरवा के बैठेगी जगना खप्पर भरनी मारस मरवा थारे खून की गर्मी खत्म हुई अब बहर रगो मरा मांग लो, लेकिन तेरे धोरे वापस नहीं आऊंगा क्योंकि थारे बस की भीख मांग के ही खाना है। अब खा लूंगा अपना पेट, गुजारा दुनिया करा करती है, पेट गुजारा करने में दादा कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि लड़ाई करना तो तुम्हारे बस की रहा नहीं है पिया जी। लड़ाई भी करेंगे युद्ध भी करेंगे, लेकिन जब करेंगे जब समय आएगा। अच्छा हाँ। तुम कहते हो कि मेरी गलती है सारी, ये सब तेरी गलती है। मैंने क्या कर दिया जरा बताइएगा मेरी गलती को? अगर उस इंद्रप्रस्थ के महल में हाँ अगर उस इंद्रप्रस्थ के महल में द्रौपदी हाँ हमारे बड़े भाई दुर्योधन को हाँ अंधे का पुत्र अंधा ना कहती अच्छा तो शायद इन दो परिवारों का नाश नहीं होता। तो यानी मैंने उस इंद्रप्रस्थ के अंदर अंधे का अंधा कहा तो मेरी गलती है? सरासर तेरी गलती है द्रौपदी। जब जब तेरी एक कैची पर की जीभ चली है हाँ तब तब ये पांचों पांडव चक्की की तरह बिल्कुल पिसते जा रहे हैं। पिसते हाँ अभी तो बेटा तुम
घिसोगे। ये कह रहे हैं कि मेरी गलती है, क्या मैंने कहा था कि जुआ खेलने के लिए जाओ? संभाल ले अपनी माँ। हाँ। क्या मैंने कहा था कि जुआ खेलने के लिए जाओ? अच्छा, क्या मैंने कहा था कि अपने आप को दांव पे लगाओ? अरे दादा, अपने आप को तो दांव पे लगाया ही लगाया, मुझे भी दांव पे लगा के हार गए, बताओ कोई बात है इनकी? ओ द्रौपदी। हाँ। ओ काले मुंह की। ओए उंगली नीचे, उंगली नीचे, चुप चुप, उंगली नीचे। भाई साहब एक बार हाथ उठा के बता दो। तुम तो हाथ हिला रहे हो, तुम्हें क्या पता मेरी जीप पे क्या क्या बीत रही है? ए, चुप, आज नहीं दबेगी द्रौपदी, नचा दूंगी बेटा उंगली पे, फिरकने की तरह। भाई मेरा निवेदन है, बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे, एक बार हाथ उठा करके बता दो, हाथ उठा के बता दो, दोनों हाथ, अगर रागनी अच्छी लग रही है और समझ में आ रही है। उठाओ एक बार सभी हाथ। एक बार ताली मार दे, जोरदार ताली। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक बार दोबारा से हाथ उठा दे, जो जो रोज ऐसे पिटते हो। अरे वाह, सुनिएगा। ये ले हमारे दादा 50 रुपए, कोई तो मेरा हिमाती आया कम से कम। बेताऊ जी सच बताइयो, भाई साहब ऐसे ऐसे बिगड़वावे मेरे घर में, सच बताइए ताऊ जी, दूसरा की मेहरबानी से पैसा देता ही था मैं कितने दिन हो लिए। अच्छा भाई वाह, ताली मार दो भाई। ये ले, आदमी बहुत काम का है, बहुत। अरे ले ये भी ले, क्योंकि तेरा नहीं भरेगा पियाजी का देवी। और मुझे पैसे की भी जरूरत नहीं है। हाँ। ये जो जोश, ये जनून है ना तुम्हारा। हाँ। ये रणभूमि के अंदर दिखाइए पियाजी। द्रौपदी। हाँ। पांचों पांडव अगर धक्के खा रहे हैं तो सिर्फ तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे जुआ खेलने की वजह से हुआ है। अरे जुआ छतरी खेला करते हैं द्रौपदी। अच्छा, जो छतरी होया करते हैं वो जुआ खेला करते हैं। हाँ। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। तुम छतरी हो, छतरी। जुआ किसने खेला? तुमने। हाँ तो हमने खेला, कौन सी बड़ी बात है, तने तो नहीं खेला। तो जुआ खेला तो खेला, जुआ खेलने का मतलब है इंसान को जीत कराना। जुआ खेला तो तू जीत के कैसे आया, हार के कैसे आ गया? भाई दादा, जब दो पहलवान लड़ते हैं तो शायद एक ही जीतता हो। हाँ तो जीत तुम्हारी भी तो हो सकती थी। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक ही जीतता होगा द्रौपदी, कोई बात नहीं, हम जुआ हार गए। हाँ। अपने भाइयों के साथ में हारे, कोई गैर तो नहीं था। अच्छा। हाँ। और दादा छतरी का काम होया करता है जुआ खेलना है? हम छतरी थे। हाँ। हम छतरी थे। हाँ। द्रौपदी हम छतरी है और छतरी ही रहेंगे, छतरी ही रहेंगे। ये छतरी है दादा, नु कह रहा छतरी थे, छतरी है। एक बात कह दूं, अगर अच्छी लगे तो ताली बजाइए मेरे लिए। कह रहे कि हम छतरी है, छतरी थे। दादा इनका छत्रापन तो हो गया खत्म, अब छतरी छतरी रह रही है बस, और वो भी पता ना दादी कब उड़ जावे। तो छत्रापन की तो बात ही मत करो। कहले। हाँ। ये सरदारी सुन रही है, नगर के लोग सुन रहे हैं। हाँ। और दादा नु कह रहे के भले आदमी बीरवानी पे पिट रहा है। या तो बचा। हाँ। हाँ। कोई सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, बस तू ही बना रही है हिमाती, बस और किसी की जरूरत नहीं है मुझे। भाई सुनो सरदारों, देखो ये भी गौर करने की बात है, नो कह रहे हैं कि यार तू कैसा मर्द है औरत पे पिट रहा है। भाई साहब नोट कर लेना मेरी बात, वैसे भी बीजेपी सरकार है, रांडा की सरकार है, अगर औरत आदमी पे हाथ उठा दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और मर्द ने ससुरे ने नू भी कर दिया तो जेल में पड़ा मिले। एक शराबी ने अपनी बहू पीट दी दादा, एक शराबी ने अपनी बहू पीट दी, 100 नंबर पर फोन कर दिया, घूं घूं करती हुआ जिप्सी आ गई, और जब थाने में उठा कर ले गए, नु बोले अबे पता क्यों पीटी? बोले साहब मत पूछो। बोले पता? नु रहने दो, रहने दो, रहने दो। बोले ना बता। 20 कोड़े मरवाए, 20 पट्टे मरवाए, नु बोले ये पूछो। बोले अरे भले आदमी, मैं तेने गूंगा समझा था, जब भी क्यों ना बताए। बोले भाई ये पूछो। बोले अरे नु बता, तेने अपनी घरवाली पीटी? बोले जी पीटी। बोले क्यों पीटी? बोले साहब मैंने अपनी करके पीठी थी, मैंने ना मेरी ससुरी हो भी गवर्नमेंट की सुन भी। अरे ब्याह शादी का। इधर आइए पिया जी। हाँ।
आप समझदार इंसान हो और मुझे नहीं लगता कि आप समझदारी दिखाओगे अभी। अरे जुआरी अरे कायर सारे ओ अरे जुआरी अरे कायर सारे बहु पे लगाया दाग बड़े बड़े अरे बड़े बड़े वादे किए भरा ना अभी तक घाव केश खून में धुआं ही छिड़े जब मेरे संग में होगा न्याव केश खून में धुआं हस्तनापुर छुड़वाया रे तन्ने कुरुवंश में क्या कुरुवंश में आके पापन भाइयों को मरवाया तन्ने। अरे दादा नार नहीं क्या अरे नार नहीं नारंगी होती साची कर दिखाया तन्ने। ओ नार नहीं नारंगी होती साची कर दिखलाया तन्ने। जिया मैं उस दिन सुख तसोंगी जब शादी नहीं करने दूंगी पिया जी नहीं करने देंगे। सोच लिया है मैंने जब तक ये मेरे खुले हुए केश नहीं बंधवाओगे हाँ। और ये भी कोई ऐसे वैसे नहीं बदलेंगे और जो उस दुर्योधन ने इस जांग को फटका कर ये कहा था कि द्रौपदी ये जांग तेरे लिए है जब तक उस जांग को तोड़कर उस जांग का लहू मुझे नहीं मिलेगा हाँ। जब तक मैं भी सुख से रहने वाली नहीं हूँ पिया जी के घोर अंधेरे घर में दीपक चसालू गाई दे। अच्छा नोट कर लेना सरदारो हाँ। के घोर अंधेरे घर में दीपक चसालू गाई दे और रोते हुए आदमी ने भी हंसालू गाई दे। ओहो उजड़े हुए घराने फिरते ये बसालू गाई दे और दादा कई जन्म में सुन देना ऐसा फसालू गाई दे। औरत जात का कोई भरोसा नहीं हुआ हाँ मेरी गलती है तो मेरा कोई भरोसा नहीं है पिया जी। ये औरत चाहे हाँ। तो परे गरा में भी ताला पिटवा दे। अच्छा औरत चाहे तो उजड़े हुए ने फिर से बसे। अरे तेरे जैसे आदमी का भी भरोसा नहीं है के नार नहीं नारंगी है। अच्छा और नारंगी नहीं दसरंगी है। ओहो ढकले तो पूरे कुल को ढकले दादा वरना रंगी की नहीं। सुनिए मेरी बात के काला सर्प का दे रहा हूं अपना। अच्छा काले भूखी काला सर्प का दे दाओ अपना चाहे कितना दूध पिला ले और गधा कहू ना पड़ सकता चाहे सोबे गंग नवा ले। हर दादा अरे लोगो यो तेरी आपड़ी ना होती चाहे कितने लाड लड़ा ले चाहे कितने लाड लड़ा ले। सुनिए जरा मेरी बात करो हाँ? ब्याह ना कराने दूंगी केश खून में हाँ? केश खून में तुए बिगर कोई खुशी ना मनाने दूंगी। अरे मान लो मान लो मान लो कहे की वरना खान ना कमान दूंगी। मान लो कहे की वरना खान ना कमान दूंगी। ओ कपड़ बंगी
शिव से ले वरदान गुणों का हम पांचों को ब्याही द्रौपदी। ओ प्रेम सिंह गुरु तू समझा दे नत कर देगी तबाही द्रौपदी। प्रेम सिंह गुरु तू समझा दे नत कर देगी तबाही द्रौपदी। जियो रे गौतम भाटी समलियो तिरिया ना भोवन दे बहुत।